राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन संडे और अब हम लोग सब लोग तैयार हो गए हैं। ये देखिए, सब बच्चे तैयार हो गए हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ। और ये तो साड़ी पहनी है हमने, सब लोग तैयार हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं कहीं पे। तो चलिए, आप लोग भी हमारे साथ चलिएगा क्योंकि आज इनका बर्थडे है, तो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। चलो जाओ ना, जाओ है। मजी जाओ ले तो नहीं जाओ। ले मुझे साड़ी। आज ओम डांस दिखाएगा अपना, है ना? वो दिखाओगे ना? नहीं क्यों? बैठा बैठा तो मतलब अच्छे भैया अच्छे मेरा खिलो कटरी बैठ लो। हम लोग पहुंच गए थे और हम लोग लग गए थे किचन में खाना बनाने के लिए क्योंकि सबने नाश्ता वगैरह कर लिया था और भैया ने बच्चों को भेज दिया था रूम में क्योंकि हॉल में थोड़ी सी गर्मी थी। तो पहले अंदर चले गए थे बच्चे, फिर खाने के लिए भैया ने बुला लिया बाहर और भैया भी नहा धोकर फ्रेश होकर आ गए थे। तो भैया ने कहा पहले बच्चों को खाना खिला दो, उसके बाद फिर हम बड़े बड़े खा लेंगे। तो यहाँ पर पहले बच्चों को बिठा रहे हैं और ये भैया घूम रहे हैं टॉवल में। भैया कपड़े मांग रहे थे, दीदी ने कहा अंदर टंग रहे हैं पहन लो, लेकिन फिर वो ऐसे ही बैठ गए। खाना पीना खाने के बाद उन्होंने कपड़े चेंज किए थे क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे सभी लोग, 9 के करीब तो बज चुके थे, 9:30 बज गए थे। खाना पीना खाते खाते ही फिर उसके बाद फिर केक वगैरह काटी, फिर डांस वगैरह किया सबने, इस तरह से बहुत टाइम हो गया था। तो यहाँ पे पहले बच्चे खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद सब बड़े खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। हम लोग सबसे लास्ट में खाएंगे क्योंकि फिर हम ही लोग बना रहे हैं तो हम ही लोग पहले तो नहीं खा सकते ना, बाद में ही खाएंगे, इसलिए हम लोग बाद में खाएंगे और पहले सबसे सबको फ्री कर देंगे। और मुझे ना सारी वॉइस कट करनी पड़ी टीवी की वजह से क्योंकि टीवी चल रही थी तो टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मुझे पूरी वॉइस काटनी पड़ी। यहाँ पर दोनों भाइयों ने अपने भाई को खाना खिलाया था तो ये वीडियो की जगह फ़ोटो एडिट भी हो गए थे थोड़े से, तो मैंने फ़ोटो काट दिए हैं। वैसे कोशिश पूरी की थी मैंने, लेकिन कहीं कहीं फ़ोटो भी एडिट हो गए हैं। और अगर रियल आवाज़ होती ना तो बहुत ही मज़ा आता। मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जो मौज मस्ती उस समय हो रही थी, जो बातें हो रही थी, उनको तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि भैया कह रहे थे अरे मेरी वीडियो मत बनाओ, मैं टॉवल में बैठा हूँ। मैंने कहा नहीं, कुछ तो अलग होना चाहिए वीडियो में। फिर मैंने कहा नहीं भैया की वीडियो ऐसे ही बना लो। फिर भैया फटाफट से खाना खाने के बाद कपड़े चेंज कराए थे, लेकिन ना टीवी ने मेरी सारी वीडियो का ख़राब कर दिया सब कुछ। इतना अच्छा लग रहा था, सबकी बातें करना सुनना सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे सब कट करना पड़ा। और फिर उसके बाद अभी इन लोगों ने खाना खा लिया था, खाना वगैरह सब दीदी ने कर रखा था, हमने तो बस जाकर पूड़ियाँ सेकी और सबको खाना वाना खिला दिया था, सारा काम दीदी ने रेडी रखा था। और बस हम लोग भी अब खाना खा के फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर चलेगा बर्थडे सेलिब्रेशन। और केक कटिंग हमारी ओम ने की थी क्योंकि ये कभी केक नहीं काटते हैं, तो छोटे वाले भैया ले आए थे, पहली बार केक आया था इनके बर्थडे पे। वैसे कभी केक वगैरह नहीं मंगाया माँ जी ने, माँ जी शादी से पहले रामायण करवाती थी इनके बर्थडे पे, फिर कथा वगैरह मतलब ऐसे करवा देते थे, लेकिन केक नहीं कटवाया था माँ जी ने कभी भी। तो इसलिए भैया ले आए थे, तो फिर बच्चों को तो केक ही पसंद था। और बच्चे आ गए थे कमरे में खाना खाकर, तो फिर मैं उन्हें बुलाने आई थी। और यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है,
यहाँ श्रेया फोटोग्राफ्स खींच रही हैं, मैं आ गई थी तो कह रही थी मामी क्या कर रही हो, वीडियो मत बनाओ, और सुबह कर रही हैं अपने नंबर का वेट कि मुझे भी फ़ोन फ्री हो तो मिले तो मैं भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचूं। और यहाँ पर बाकी बच्चे कोई फ़ोन देख रहा है, कोई सब फ़ोन ही देख रहे हैं और कुछ नहीं। तो चलिए बस अब केक आ गया था, दीदी ने निकाल के रख लिया था टेबल पर, तो अब केक का कितना सुंदर डिज़ाइन है आप देख सकते हो। और फिर अब सब लोग बैठ जाएंगे तो पहले टीका करेंगी श्रेया, उसके बाद फिर, और टीके के टाइम पे ना बड़ा अच्छा लगा था, संगीता टीके की तैयारी कर रही हैं और यहाँ पर डांस की तैयारी भी चल रही है साथ में, क्योंकि वूफर वगैरह लगाने की कोशिश हो रही थी लेकिन लग नहीं पाए थे। टीवी में भी वॉल्यूम काफ़ी तेज़ था, इतना कम नहीं था, क्योंकि वूफर का कनेक्शन शायद ऊपर था या नीचे था, मतलब जो भी था कुछ गड़बड़ था इसलिए नहीं चल पाए थे। और भैया यहाँ पर कटिंग करवा रहे हैं ओम से, ओम बहुत खुश हो गए थे, केक देखकर ही खुश हो गए थे वो तो, क्योंकि बच्चों को तो बस केक ही अच्छा लगता है, बर्थडे में केक नहीं हो और चॉकलेट नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो ओम और हर्ष केक काटेंगे तब उसके बाद फिर सबको खिलाएंगे। और सबसे पहले भैया ने ओम को ही केक खिलाया था तो ओम तो और ज़्यादा खुश हो गए, कहते हैं चलो अच्छा है। उनके बर्थडे पे भी हम लोगों ने केक मंगाया था, पहले शुरुआत में नहीं मंगाया था मैंने ओम के बर्थडे पे, दो बार मैंने कहा नहीं अब इसका केक नहीं काटेंगे, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाने तो उन्हें ऑकवर्ड लगता है, कृष्णा को अब नहीं अच्छा लगता केक वगैरह काटना, ना वो मंगाने देता है ना बलून फुलाने देता है, कुछ नहीं करने देता। बस हम तो मंगा कर, क्योंकि शुरू से काटा है तो मंगा कर बस भगवान जी के आगे रख कर और उसको अब खुद ही हम काट के और बांट देते हैं, वो नहीं काटता। लेकिन इसीलिए फिर मैंने ओम का नहीं मनाया था, लेकिन उसने ज़िद करके तीसरे वाले बर्थडे से शुरू करवा दिया केक काटना, मुझे केक काटना है, मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन करना है अपना। और यहाँ पर अब ओम खिलाएंगे अपने पापा को केक। केक वगैरह खाने के बाद फिर दीदी ने कहा मैंने तो टीका किया ही नहीं है भैया का और भाभी का, तो फिर दीदी ने हम दोनों का टीका किया था। पर चल रहा है हम सबका फ़ोटोशूट, और फ़ोटोशूट के बाद ना डांस होगा, आप लोग बताइएगा इन्होंने डांस किया है और कमेंट करके बताइएगा किस गाने पे डांस किया है इन्होंने। डांस तो ये बहुत अच्छा करते हैं, काफ़ी टाइम बाद किया है इन्होंने तो, और बेस भी बहुत कम था म्यूज़िक का इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा था, लेकिन अगर आप म्यूज़िक के साथ देखेंगे ना डांस उन्होंने प्रॉपर अच्छे से कॉपी किया है, क्योंकि वो शुरू से करते हैं इसको और ये डांस बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मैं साउंड नहीं डाल सकती थी इसलिए मैंने डाला नहीं, वरना डांस बहुत अच्छा करते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट पे कि इन्होंने किस गाने पे डांस किया है। इनके डांस के बाद में फिर तीनों भाइयों ने भांगड़ा किया था, वो और अच्छा था क्योंकि फुल मस्ती के साथ किया था भांगड़ा, और छोटे वाले भैया ने फुल इन्जॉय किया था, वो डांस बहुत अच्छा करते हैं। बाकी सब तो ये काम चला रहे थे, बाकी इन दोनों ने इतना अच्छा भांगड़ा नहीं किया था और बहुत जल्दी मैदान छोड़ के भाग गए थे सब। यहाँ पर मैंने केक नहीं खिलाया था इनको तब से, तो अब मैंने कहा चलो इन्हें केक खिला दूँ, थोड़ा सा लगा भी दूँ, आँखें दिखा रहे थे लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया, मैंने नहीं माना, आँखें दिखा रहे थे मोटी मोटी केक मत लगाना मेरे, लेकिन मैंने भी लगा दिया फिर। सही है, कोई बात नहीं बेटा, सोफा बैठ के खा लो। और सारी मौज मस्ती के बाद अब हम लोग करने लगे थे अपने फ़ोटोशूट, क्योंकि बस यादें ही रह जाती हैं इन फोटोग्राफ्स में कैद होकर, हम सब ने फोटोग्राफ्स खिंचाए थे। Thank you.
उसके बाद देख सकते हैं आप 11:40 होने वाले हैं और पार्टी हो गई थी ख़त्म। अब हम लोग वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो बस वहाँ से निकल आए थे हम लोग करीबन 11:45 के करीब, और 5 मिनट का रास्ता है बस, 5 मिनट में आ गए थे घर। और उसके बाद फिर बच्चों का फ़ोटोशूट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, श्रेया सुभी अभी भी फ़ोटोग्राफ्स खींच रही थी। क्या हो गया भाई? टाइम दिखा जरा पे फोन में, टाइम दिखाई दे रहा 11:54। आपको मैं मना कर रही हूँ। हमारा डांस बढ़िया करा आपने। हाँ वो शर्मा भाई ने बना किया था। अरे दादी ले गई। और सबको लगा की खुशी दिल ने करा है। अच्छा और तो बंदूक के मारे पेड़ पे चले गए। हाय मेरे कमर दर्द से चले गई। ए नानी कितना सामान पकड़ते, खुद को संभालते, फिर ये केक को भी, फिर उसको भी। गाइस देखिए 12:05 हो चुके हैं पर ओम रो रहा है टीवी देखने के लिए। अब हम घर आ गए हैं वापस, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और हमारे ठाकुर साहब को पीनी है चाय, तो इनके लिए पहले चाय बनाएंगे। और देखिए 12:00 कितनी मिनट हो गई है, 5 मिनट, 12:05 हो चुकी है। और अब चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का करेंगे एंड, क्योंकि आज बहुत मजा आया, थक भी गए हैं। हम तो नहीं थके, इनकी भाभी बहुत थक गई होंगी क्योंकि बेचारी सुबह से काम कर रही थी। हम तो बस गए और मजे मस्ती किए और वापस आ गए। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का करते हैं एंड, मिलेंगे आपको हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।